फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में तैनात डायल 100 पर व्यापारियों ने लगाया आरोप। आरोप गंभीर है, साक्ष्य के रूप में इसके सीसीटीवी विजुअल भी हैं। दरअसल मामला पिछली 24 तारीख का है, जब जसराना बाजार के दो व्यापारियों में किसी बात के चलते झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक पक्ष जसराना चेयरमैन के यहाँ अपनी आपबीती सुनाने पहुंचा। तभी वहां पहुंची डायल 100 की गाड़ी से उतरे 6 से 7 लोगों ने चेयरमैन जसराना के घर में ही घुसकर पहले से मौजूद व्यापारी पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही इन्हें पुलिस की गाड़ी में ही डालकर थाने ले गए। तो चेयरमैन साहब, उस दिन जो आपके घर पर घटना हुई, क्या घटना थी, क्या कारण रहा कि वे लोग आपके घर में घुसे चले आए और अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो पाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख की सुबह 8 बजे की घटना है। मैं अनंत चतुर्दशी के प्रोग्राम में अभागढ़ गया हुआ था। उसके इसी दरमियान पिताजी मेरे जन सुनवाई कर रहे थे, घर पर नीचे बैठे हुए। दो व्यापारियों का आपसी का विवाद का मामला था कि उसी बात के झगड़े को लेकर एक व्यापारी पक्ष हमारे घर पर पहुंचा हुआ था। जब वो अपनी व्यथा बता ही रहा था कि इसी दरमियान डायल 100 उन्हीं लोगों को साथ में अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर मेरे घर पे आते हैं और सभी लोगों के साथ और 7 से 8 लोग, 2 से 4 लोग बाइक से पहले आ जाते हैं। सभी लोग एकदम से मेरे घर में घुस जाते हैं और उन व्यापारियों के साथ मारपीट कर उन्हें बाहर खींच के अपनी गाड़ी में डाल के जबरन उनको थाने ले जाते हैं। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ, कप्तान साहब से, मैंने डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदया को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, बाकी सभी लोगों को संज्ञान में दे दिया मामला। कप्तान साहब ने इसमें अभी जांच के लिए आदेश दिए हुए हैं और जांच चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी और इसमें जाँच करके इन पर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। क्या मामला है? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल से जिलाध्यक्ष अनिल मलिया हूँ। मेरे व्यापारियों के साथ जसराना में अराजकता का माहौल बनाया गया, मेरे व्यापारियों के साथ मारपीट की गई। 100 नंबर की गाड़ी चेयरमैन साहब के आई, 100 नंबर की गाड़ी में बैठ के बदमाश आए और बदमाशों ने उनको मेरे व्यापारियों के साथ मारपीट की। इस सिलसिले में डीएम साहब से मिलने आया हूँ। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, अगर न्याय यहाँ से नहीं मिला तो हम आगे जाएंगे, लखनऊ जाएंगे। अब तक कहाँ कहाँ जा चुके अपनी फरियाद लेकर? फरियाद लेकर साहब विधायक से फरियाद कर चुके हैं, हमारे व्यापारी फरियाद कर चुके हैं, आज एसपी से भी कह चुके हैं, एसपी ने 2 दिन का समय दिया था, आज हम डीएम साहब से मिले। पुलिस डायल 100 के बदमाशों से 7 घाट के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पर सच्चाई जो भी हो, पुलिस पर लगे आरोप गंभीर हैं। जिस तरह से सीसीटीवी विजुअल के साथ जसराना चेयरमैन ने इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष रखा है, जो इन आरोपों को सच्चाई की ओर ले जाने का इशारा दे रहा है। पूरे मामले के बाद व्यापारियों में जमकर आक्रोश भी है। इस पूरे मामले को जिला अधिकारी के सामने लाने के लिए जिले के कई व्यापारी संगठित होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। साथ ही एसएसपी फिरोजाबाद को भी जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र देकर मिले। फिलहाल इस पूरे मामले में एसएसपी फिरोजाबाद ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है। एक डायल 100 में कुछ लोग तथागत लोग आए हैं और एक चेयरमैन के घर में घुसे हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें दो व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा डायल 100 की गाड़ी को कॉल किया गया था। डायल 100 की गाड़ी उसी प्रकरण में गई थी, उसमें उनको जानकारी मिली कि दूसरा पक्ष संबंधित चेयरमैन के यहाँ मौजूद है। जो वीडियो फुटेज है उसमें यही दिख रहा है, लेकिन जो भी आरोप लगाएंगे उसकी हम लोग जाँच करा रहे हैं, जाँच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक।